ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली क्लीन चिट, एनसीबी ने कॉर्डेलिया क्रूज केस में चार्जशीट फाइल की। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की है, जिसमें आर्यन तथा 5 अन्य को क्लीन चिट दी गई है। इनके नाम चार्जशीट में नहीं है। दिल्ली एनसीबी हेडक्वार्टर के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार आर्यन खान समेत 6 लोग चार्जशीट का हिस्सा नहीं है, यानी आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। आर्यन के खिलाफ एसआईटी को ठोस सबूत नहीं मिले। सबूत न होने की वजह से जिन लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल नहीं है, उनके आर्यन खान के अलावा अनिव साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साइगन, भास्कर रोड़ा और मानव सिंघल शामिल है। एंटी ड्रग्स एजेंसी ने इस मामले में 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 14 आरोपियों के नाम है। 23 वर्षीय आर्यन, जो कि गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से एक थे, का नाम आरोपियों में शामिल नहीं है। मामले में जांच एजेंसी तय समय में चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही थी। इसके बाद कोर्ट ने मार्च में इसे 2 माह का अतिरिक्त समय दिया था। गौरतलब है कि एनसीबी ने आर्यन खान समेत 19 अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बताया है। एनसीबी ने 3 अक्टूबर को आर्यन को मुंबई के तटीय इलाके में एक क्रूज जहाज से गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।